हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ एडवेंचर इन कुकिंग। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, क्रिसमस आने वाला है और क्रिसमस आते ही हमें सिर्फ एक ही चीज़ याद आती है, वो है केक। तो चलिए आज मैं आपको केक की रेसिपी बताती हूँ, तो स्टार्ट करते हैं बनाना। तो आज मैं आपके साथ प्लम केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि क्रिसमस में बहुत फेमस है। तो चलिए आज बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लम केक बनाने के लिए ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, काजू, किशमिश, क्रैनबेरीज, रेसबेरीज, टूटी फूटी, चेरी, ये सब कुछ ले लिया है। आपको जितना मन करे उतना ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल आपकी चॉइस की होगी और जितनी क्वान्टिटी आप चाहें आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स मिला के लगभग हाफ कप ड्राई फ्रूट्स लिया है, और हाफ कप ड्राई फ्रूट्स में मैं ऑरेंज जूस जो होता है वो उसे मिलाकर रख दूँगी लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट फ्रिज में भी रख सकते हैं, और आप अपने पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, ये बिल्कुल आपकी चॉइस है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कोई ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो ऑरेंज जूस हम उतना डालेंगे जितना कि ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स है अच्छे से भीग जाए, और हम अच्छे से मिला देंगे इसे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हाफ़ कप चीनी लेंगे, और हाफ़ कप चीनी को हम मेल्ट करेंगे अच्छी तरीके से। हमें इसमें चीनी में पानी नहीं डालना है अभी बिल्कुल भी, बेसिकली हमें इसे कैरामलाइज़ करना है, तो हम इसे चलाते रहेंगे ताकि ये जले ना। और यहाँ पे मैंने एक छोटा बर्तन लिया है, तो कोशिश करिए आप थोड़ा बड़ा बर्तन लें, जिससे कि आपका कैरामलाइज जो आप कर रहे हो वो अच्छे से आप उसे चला पाओ। मुझे थोड़ी लास्ट में दिक्कत होने लगी थी क्योंकि बर्तन बहुत छोटा था। तो यहाँ पे मैंने इसे कैरामलाइज कर लिया है, तो हाफ़ कप चीनी को मैंने कैरामलाइज कर लिया है, और उसमें मैंने लगभग हाफ़ कप ही पानी डाला है। और पानी को बिल्कुल जब आप डाल रहे हो तो फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर दे, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा छीटा मारता है और जिससे आप जल भी सकते हो। तो आप बिल्कुल चलाते रहो और पानी डालो। और इसे एक उबाल आने तक ही पकाना है, आप चाहे तो फ्लेम हाई करके भी एक उबाल ला सकते हैं, ये बिल्कुल इजी बन जाता है। तो ये देखिए कैरामलाइज हो चुका है, और मैं इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून बटर को मेल्ट कर लिया है अच्छी तरीके से, रूम टेम्परेचर पे कर दिया है, और यहाँ पे मैं हाफ कप कंडेंस मिल्क डालूँगी। और हाफ कप कंडेंस मिल्क डालने के बाद मैंने 1/4 कप मिल्क क्रीम डाला है, और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसे हाथ से भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपकी चॉइस है। और यहाँ पे मैंने जो कैरामलाइज किया था शुगर उसे मैं डाल दूँगी, ये अभी बिल्कुल ठंडा हो चुका है। आप जब इसे यहाँ पे डाल रहे हो तो बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए, और उसे डालकर फिर हम अच्छे तरीके से मिला देंगे। तो ये देखिए ये इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से मिल चुका है, बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मिलाने के बाद यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा, जिसे मैंने अच्छी तरीके से छान कर रखा था, वो मैंने डाल दिया है। 1 कप मैदा में यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून डार्क चॉकलेट पाउडर डाला है, आप चाहे तो कोई भी चॉकलेट पाउडर डाल सकते हैं, ये बिल्कुल आपकी चॉइस है। और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे वनीला एक्सट्रैक्ट डाला है। चॉकलेट पाउडर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी चॉइस है। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल 1 पिंच सिनेमन पाउडर डाला है, इससे टेस्ट अच्छा आता है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। और इसे डालकर हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे, और इसे हमें एक ही डायरेक्शन में मिलाना है। और याद रखें कि बहुत ज़्यादा ना मिलाए, नहीं तो ये फ्लफी नहीं होगा। और थोड़ा मिल जाने के बाद ये जो मैंने ड्राई फ्रूट सोक करके रखा था ऑरेंज जूस में, उसे डाल देंगे। और डालने के बाद फिर इसे मिला लेंगे अच्छी तरीके से।
केक को आप याद रखें कि जब भी आप मिला रहे हो, बना रहे हो उसका बैटर, तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है, नहीं तो वो अच्छी तरीके से फ्लफ़ी नहीं हो पाता है। तो ये मैंने डाल दिया है, और डालने के बाद यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। और 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा डाला है, और सब कुछ डालकर हम मिला देंगे अच्छी तरीके से। और यहाँ पे मैं बैटर मेरा थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल 1/4 कप क्रीम ले रही हूँ, और उसमें मैंने बिल्कुल 2 टेबल स्पून दूध डाला है, उससे ज़्यादा दूध नहीं डाला है। तो ये होल क्रीम मिल्क है जिसे मैंने रूम टेम्परेचर पर रखा है, और अब हम इसे अच्छे तरीके से मिला देंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्ब्स नहीं होने चाहिए, और आपको बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में इसे मिलाना है, और कोशिश करें कि बिल्कुल कम मिलाना पड़े आपको, और ये अच्छी तरीके से मिल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिलाने से ये फ्लफ़ी नहीं हो पाएगा। और ये देखिए बैटर तैयार है, मैं आपको दिखा दूँ कि बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बेकिंग बर्तन में अच्छी तरीके से बटर पेपर लगा दिया है, और ये देखिए एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखिए कितनी अच्छी तरीके से लेयर्स बन रहे हैं जब ये गिर रहा है, तो बिल्कुल ऐसा आपको बैटर का कंसिस्टेंसी होना चाहिए। और मैंने प्री हीट करने के लिए ओवन को रख दिया था, लगभग 10 मिनट वो प्री हीट हो चुका है। और यहाँ पे मैंने कुछ चॉकलेट चिप्स थे और काजू थे जिसे मैंने इसे सजाने के लिए रख दिया है, और अब मैं इसे ओवन में डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने पास कुछ ब्लूबेरीज थे, ये ड्राइड नहीं है, आप चाहे तो किसी भी चीज़ से सजा सकते हैं, बिल्कुल आपकी चॉइस है। और अब मैं इसे ओवन में रख दूँगी 180 डिग्री पे, लगभग मैंने 20 से 25 मिनट के लिए आप इसे रख सकते हैं। एक ओवन, हम हर ओवन अलग 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 होता है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे या कम टाइम में भी बन सकता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ इसे बनाया है, तो मुझे लगभग 25 मिनट लग गए हैं पूरे के पूरे। तो ये देखिए केक बन के तैयार है, आप चाहे तो इसे टेस्ट कर सकते हैं, किसी नाइफ से इसे टेस्ट कर ले, ये बिल्कुल क्लीन अगर आ रहा है तो आपका केक बन चुका है। और केक बनने के बाद मैंने यहाँ पे एक गीले टॉवल से इसे थोड़ी देर के लिए ढक कर रख दिया है, ताकि इसका ऊपर का जो क्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो जाए। तो ये देखिए हमारा केक अभी कट करने के लिए तैयार है, और अभी भी ये बहुत गर्म है, तो कोशिश करें कि ये जब पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तभी इसे कट करें। तो मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए इसे अभी कट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो कितना फ्लफी बना है, कितना टेस्टी दिख रहा है। तो अगर आपको ये केक की रेसिपी पसंद आती है, तो आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करो। ये तो अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको लेयर्स में नहीं दिखेंगे, नहीं तो ये ठंडा होने के बाद बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ था। तो मैं आपको थोड़ा सा कट करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो ये कितना सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुआ है। देखिए ये इतना गर्म है कि अभी भी इसमें से आप देख रहे हो कि धुआं निकल रहा होगा। तो आई होप आपको ये केक की रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको केक की रेसिपी पसंद है तो से घर पर ज़रूर ट्राई करें, और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे आगे आने वाले सभी वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।